हरिख भैया माखन मिश्री को हरिख भैया नाचे नंद लाला नचावे हर की मैया लाल नचावे हर हो साला न ओढ़े साला न ओढ़े साला न ओढ़े तो साला न ओढ़े साला न ओढ़े तो साला न ओढ़े अरे पारी कमरिया को बड़ोरी उड़ैया को बड़ोरी उड़ैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर हो मैया भज बाल कृष्ण कवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण कवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण कवि चंद्र सखी भज हो कृष्ण कवि अरे बार बार जाके लेत बलैया बार बार जाके बलैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया नचावे हर की मैया बोलो बाल कृष्ण भगवान के जय जय श्री राधे राधे श्रीमद् भागवत की कथा से ऐसा रस निष्पन्न होता है निर्धारित होता है कि हर व्यक्ति गाना चाहता है और हर व्यक्ति नाचना चाहता है। ये रस निष्पन्नता का प्रभाव होता है। नाचना कोई अपने वश की बात नहीं होती। जब रस शरीर में निष्पन्न होता है तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारे तंतु हैं उनमें ऐसा भाव प्रभाव पैदा होता है कि अंदर से शरीर हमारा प्रभावित जोश में होता है उसमें, और हमारे अंग जो अपने आप उस भाव भंगिमा में मुड़ने और रुकने, और जब बहुत प्रभाव इसमें पैदा हो जाता है तो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है और नृत्य करने लगता है। जैसे आपको क्रोध आता है, क्रोधा भी एक आवेश है, प्रेम भी एक आवेश है, नृत्य भी एक आवेश है, ये सारे आवेश हैं। और जब ये आवेश शरीर में आविष्टित हो जाते हैं तो निश्चय ही व्यक्ति नाचने लगता है। देखो ये नहीं कि केवल जैसे आप नाच, ये भी मान लीजिए हमें नाचने हम बैठे हम ऐसे ही ऐसे कर रहे हैं, ये भी नृत्य है। कोई ऐसे ऐसे अगर हाथ कर रहा है तो वो भी नृत्य है। सुखदेव भगवान को नृत्य नहीं आता, सनक सनंद सुमार को नृत्य नहीं आता, लेकिन भागवत में ऐसा वर्णन आता है।
कि जब सुखदेव भगवान कथा करने लगे तो सनक सुंदर सुंदर कहते वाह वाह क्या बात है। ये भी नृत्य है, नृत्य के प्रकार होते हैं अनेक प्रकार से। तो ये सब सारे नृत्य की भाव भंगिमाएँ होती हैं। वो जो भाव अंदर पैदा होता है वो किस अंग से किस रास्ते से बाहर आता है वो भाव होता है। और जब वो भाव हमारा बाहर चला जाता है तो आप शांत और सुशांत भाव से बैठ जाते हैं। तो देखो आज हमारे पास कई लोग आए, सब कहते हैं माताएं गाना चाहती हैं, कुछ भक्त कहते हैं हम गाना चाहते हैं, हमारे जो संगीतकार बैठे हुए कहते महाराज देर में गवाते तो हमें नींद आने लगती है। और हमने कि हमारे श्रोता भी हम देखते हैं कोई कोई हमारी तरह जम्हाई लेने लगता है, तो हम सोचते हैं भैया जयकारा बोल दो कीर्तन करा दो। क्यों, ये कथा इतनी प्यारी है कि इसमें नींद आने का तात्पर्य ये नहीं जो वो नींद आती है खाट पर सोने वाली। हम सोचते हैं आप रस भाव में समाधिस्थ कहीं ना हो जाए, सुखदेव की तरह कहीं समाधिस्थ हो गए तो कथा बीच में छूट जाएगी, इसलिए हम तुम लोगों से कीर्तन करा देते हैं तुम्हें जगाने के लिए। तो इसके बाद कहते हैं भगवान ने माटी भी खाई, ये आप लोगों ने लीला सुनी है जिसमें भगवान ने ब्रह्मांड सर्वत दिखाया, और माटी खाने की लीला भी बड़ी अद्भुत है। और इसमें यशोदा ने जब अपने लाला के मुख में ब्रह्मांड देखा और तो और उसमें राधा रानी को देखा, उन्होंने भगवान कृष्ण को भी उसमें देखा और उसमें ये देखा कि मैं यशोदा और नंद बाबा भी हूँ उसमें। तो उन्होंने देखा कि ओहो हो कहीं ये यशोदा दूसरी यशोदा तो नहीं है कहीं, तो ये मेरे लाला को कहीं ना ले ले। तो उन्होंने तुरंत अपनी आंखों को बंद कर लिया कि नहीं नहीं मैं इस लीला को नहीं देखा। उन्हें ये मन में हो गया हाँ अगर ये दूसरी लाला यशोदा आ गई तो मेरे लाला को ले लेगी। और भगवान ने अपनी स्वमोहनी माया का प्रयोग किया और वो सब बातों को। अब ये बड़ी सुंदर कथा आ रही है, इस कथा के बाद मैं यहाँ की कथा को आज की विश्राम दे दूंगा मध्यान्ह काल की। उसके बाद शाम को जो मध्यान्ह काल की आएगी, ये प्रातःकालीन सत्र चल रहा है, उसमें श्री गिरिराज महाराज का पूजन, 56 भोग का पूजन। तो हम आधा आधा, जैसे कहते हैं 56 के आधे कितने हुए भाई 28, तो 28 प्रकार के भोग इधर रखवा देंगे और 28 प्रकार के ठाकुर जी के सामने मार भाई, ठाकुर जी वहाँ भी रहें और यहाँ भी दोनों जगह ठाकुर विराजमान हैं। दूसरे कामों में लगा दिया, कार्तिक का महीना चल रहा था, इंद्र देवता की पूजा का दिन आया हुआ था, तो उन्होंने कहा तुम दूसरे काम करो, मेरा लाला उठते ही मक्खन मांगेगा, मैं अपने लाला के लिए मक्खन निकालूंगी, तुम लोग दूसरे काम करो। माता यशोदा प्रातःकाल ही अपने लाला के लिए दूध निकालने के लिए बैठी, और जब दूध का मंथन उन्होंने शुरू किया तो सुखदेव भगवान कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से ही माता यशोदा भगवान का दर्शन कर रही हैं। मन से भगवान की जो बाल चरित्र हैं उनका स्मरण करती जा रही हैं, जिह्वा से कृष्ण के गीत गा रही हैं, हाथों से वो कर्म कर रही हैं यानी दही को मंथन कर रही हैं। इधर गोपियां आ गई, उनका मन घर में नहीं लगा, तुरंत जहाँ लाला सो रहे थे प्रातःकाल का, बच्चे देर तक कभी सोते कभी माता के साथ भी उठ जाते हैं, माता यशोदा ने रात को काजल लगा देती हैं। माता काजल जरूर लगाना चाहिए अपने बच्चों को, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को तो उनकी आंखें बड़ी सोनी सोनी सी लगती हैं, हम उनकी माताओं को कहते हैं इनके काजल जरूर लगाओ। कई माताएं कहती हैं महाराज हमें लगाना ही नहीं आता बच्चों के काजल, तो कहते हैं हम पहले तुम अपनी आंखों में लगाना शुरू करो फिर बच्चों। तो रात में काजल लगाना चाहिए, रात में काजल, सारी रात हमारी काजल आंखों में रहेगा तो आपकी आंखें निरोग रहेंगी। सुबह अगर आपको लगता है कि बेढब काजल हो गया है तो गीले कपड़े से जरा सोख कर से आंखों को पोंछ लो, आपका काजल सुव्यवस्थित हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन आंख में अंजन दांत में मंजन नितकर नितकर नितकर, कान में उंगली कान में लकड़ी नाक में उंगली मतकर मतकर मतकर, ये पुरानी कहावत है और बड़ी अर्थपूर्ण है, अर्थ देती है हमारा, बहुत अच्छी बात है। तो मैया को इतना प्रेम है अपने लाला से, उन्होंने दास दासियों से नहीं निकलवाया, मैया अपने लाला के लिए रोज स्वयं अपने हाथों से मक्खन निकालती है। और आज भी मैया ने यही
प्रयास किया कि अपने में लाला के लिए। और ये जो मक्खन लाला की ने निकलता है, पद्म गंधा नाम की जो गाय है उसका दूध का ही मक्खन निकलता है और उसका ही दूध भगवान कृष्ण पान करते हैं। उस दिन हमने आपको बताया पद्म गंधा जिसके दूध में कमल के पुष्प जैसी खुशबू आती है, सुगंध आती है, ऐसा वो दुग्ध है जिसका भगवान स्वीकार करते हैं। तो प्रातःकाल जब गोपियां आ गईं, लाला थोड़े थोड़े सो रहे थे, तो गोपियां देखकर लाला को मीठी मीठी बातें करने लगीं। यह लाला ऐसा है, इसकी आँख ऐसी है, इसके होंठ ऐसे हैं, इसकी नाक ऐसी है, इसकी भौहें ऐसी हैं। इस प्रकार गोपियां मीठी मीठी बातें आपस में सोए हुए लाला को कर रही थीं। तो लाला को ये बातें बड़ी अच्छी लगीं और उठ करके उन्होंने आँखों को मला। छोटे बच्चे जब उठते हैं, मैया मैया मैया, माता को पुकारा और माता यशोदा अपना दही बिलोने में लगी। तो जब उन्होंने अपनी आँखों से ऐसा किया भगवान कृष्ण ने मला, तो वो जो आँखों का काजल था वो वहाँ से कुछ कपोलों पर आ गया, कुछ लंबा काजल हो गया और उनका मुंह में देखा। मैया तो इधर उधर दिखाई नहीं देती, तो लाला अनमने मन से उठे और देखा कि जहाँ से रड़क दूध रड़कने की आवाज़ आ रही उधर चले गए। और जाकर भगवान कृष्ण ने यशोदा मैया का पीछे से पीठ पर ऐसे हाथ रखा, चिपक गए।